आज हम बनाएंगे चिकन पोटा कलेजी। ना सख्त होगी और ना विसेंदी बनेगी, बिल्कुल सिंपल और झटपट से बनके तैयार हो जाती है और ये खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शबीना। मैं आपका शबीना जी के किचन में वेलकम करती हूँ। मसालेदार चटपटा पोटा कलेजी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम पोटा कलेजी। पोटा कलेजी के साथ दिल भी होता है। इन तीनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करके धोना है। कलेजी के अंदर खून ना रहे इतना इसे पानी से और अच्छी तरह से धो लें। ये देखिए, इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है। तीन प्याज को आप इस तरह से काट सकते हैं और बारीक भी काट सकते हैं, और अगर हो सके तो आप इसे मिक्सी जार में पीस लें। साबुत गरम मसालों में एक चम्मच जीरा, एक टुकड़ा अदरक का लिया है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, चार लौंग लेना है, एक छोटा चम्मच काली मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी का लेना है और दो हरी मिर्च, 20 से 22 लहसुन की कली ली है। इन सभी चीजों को मिक्सी जार में डालकर फाइन पीस लेंगे। हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। बिना टमाटर के भी ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। गोश्त चिकन में टमाटर ना भी डालें तब भी वो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे हम पीस लेंगे। लीजिए, हमने मसाला पीस लिया है। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल में हम कंजूसी नहीं करेंगे। अगर गोश्त मछली खाने के शौकीन है तो आप तेल खुल के डालिए। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम कटी हुई प्याज को डालकर फ्राई करेंगे। इसे डार्क ब्राउन में फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें चलाते हुए फ्राई करना है ताकि प्याज जले नहीं, वरना कलेजी में जली प्याज की खुशबू पोटे की ग्रेवी को खराब कर सकती है। बीच बीच में हम चलाते जाएंगे और अपना काम भी करते जाएंगे। प्याज लगभग ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें जो मसाला पीसा था उसे डाल देंगे। मसालों को प्याज में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ढाई छोटे चम्मच हमें धनिया पाउडर लिया है, यानी दो छोटे चम्मच, आधा छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। इन सभी मसालों को हम कढ़ाई में डाल देंगे। मसालों को आधा मिनट ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें हम एक कप पानी डालकर मसालों को मिक्स करेंगे ताकि पानी और मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाए। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम में 3 मिनट तक पकाएंगे। अब मसालों को खोलकर अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। मसालों में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे। जब मसालों का कलर बदल जाएगा और मसाला बिल्कुल तेल छोड़ देगा, हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक को भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक बात का ध्यान दें, हमने इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाला है और अभी तक इसमें पानी नहीं डाला है। हमें मसालों को तेल में भूनना है ताकि मसाले अपना तेल छोड़ दें। अब इस स्टेज में हम पोटा कलेजी डाल देंगे। पोटा कलेजी खुद इतना पानी छोड़ेगी कि उसी में ये गल भी जाएगी और अच्छी तरह से पक भी जाएगी। पोटा कलेजी को हम ढक के पकाएंगे जब तक पोटा कलेजी गल ना जाए। बीच बीच में खोलकर चलाते रहना है ताकि कलेजी बराबर तरीके से पके। जब पोटा कलेजी गल जाएगी हम इसे 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। ऐसे ही खोलकर हमें चम्मच चलाते हुए कलेजी का वो पानी सुखा देना है जो कलेजी में धोते वक्त कलेजी में व्यवस्थित हो जाता है, यानी भर जाता है। अगर आप चाहते हैं कलेजी सौंधी बने, टेस्टी बने, विसेंदी भी ना हो तो इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। इसे ऐसे ही बनाया जाता है।
तो लीजिए कलेजी तो बनके तैयार हो गई। इसमें धनिया पत्ती डालकर इसे हम सर्व कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है चटपटी सी चटकारेदार मसाला पोटा कलेजी। इसे मैंने जीरा राइस के साथ सर्व किया है। आप इसे रोटी पराठा नान ब्रेड शीरमाल रुमाली रोटी पूड़ी के साथ एंजॉय करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खा पियो खुश रहो।